चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री में चार पॉइंट है तकरीबन तो एक एक करके देखते हैं सबसे पहले एक्सपेंसिज ऑफ रिलाइजेशन ठीक है जी और एक करेंगे और एक एक को समझते चलेंगे ठीक है एक्सपेंसिज ऑन रिलाइजेशन इसकी जनरल एंट्री मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन उससे पहले आपको याद है या नहीं है लेकिन मैं एक बार क्विक रिविज़न करवा देता हूँ देखिए रिलाइजेशन अकाउंट जब भी कोई नुकसान होगा एसेट्स और लाइब्रिटी से रिलेटेड रिलायंशन अकाउंट डेबिट होगा गेन होगा रिलायशन अकाउंट डेबिट होगा जब भी एसेट्स और लाइब्रिटी से रिलेटेड होंगे कैपिटल अगर कोई नुकसान हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल को लेना पड़ रहा है वो नुकसान वो कहता है कि जी वो नुकसान मैं झेलूंगा तो वो कैपिटल डेबिट हो जाएगा अगर कोई प्रॉफिट होता है तो कैपिटल क्रेडिट होता है और अगर फर्म के बिहाफ पे पार्टनर पे करता है तभी भी उसका कैपिटल क्रेडिट होता है क्योंकि इंक्रीज हो जाता है कैश के रूल ये है कि कैश अगर इन प्लस होगा तो डेबिट होगा माइनस होगा तो क्रेडिट होगा तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर वन थर्ड का ए पार्ट हमने लोगों ने लिया उसमें क्या हो रहा है रिलायशन एक्सपेंस पे कर रहे हैं रिलायशन एक्सपेंस हमारे लिए नुकसान है तो रिलायशन अकाउंट क्या हो जाएगा बेटर डेबिट हो जाएगा ठीक है सर तो हमने बच्चे यहाँ किया रिलायशन अकाउंट डेबिट अब आइए क्रेडिट क्या होगा तो बच्चे जब हम रिलायशन एक्सपेंस को पे करेंगे ना तो पैसा हमारे पास से जाएगा कैश जाएगा कैश जो भी मेरे पास है वो कम हो जाएगा कैश कम होगा तो क्रेडिट कर दूंगा मैं तो यहाँ पे लिखूंगा बेटा कैश एंड बैंक अकाउंट और इसकी वैल्यू लिख देंगे ए पार्ट मैंने आपको समझा दिया क्लियर है वैल्यू तो आप लिख ही लेंगे फाइव थाउजेंड वैल्यूज थी चलिए जी फाइव थाउजेंड रुपीज आपने लिख देना है बी पार्ट आते हैं. क्वेश्चन के बी पार्ट पे चलेंगे लिखा हुआ एक्सपेंसेस ऑफ रिलायशन 600 हंड्रेड यहाँ पर भी एक्सपेंसेस है रिलायशन का ही सॉरी लेकिन पेड बाय मोहन अ पार्टनर मैंने आपको बताया कि देखिए अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है कंपनी के लिए तो कंपनी पे एहसान नहीं कर रहा है पार्टनर है ना वो पैसे मांगेगा क्योंकि वहाँ पर दो लोग होंगे तीन लोग होंगे तो एक कोई पे करेगा तो बोलेगा ना भाई हमने तो पे किया आप सबके बिहार पे तो आप मुझे पैसे दीजिए समझ में आई बात जी तो पार्टनर कभी भी पे करता है तो बेटा कोई एहसान तो करता नहीं तो यहाँ पे एक्सपेंसेस पे किए गए छः सौ के लेकिन पार्टनर नहीं पे किया है तो बी पार्ट की क्या जनरल एंट्री करेंगे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बी पार्ट में भी एक्सपेंसेस पे हो रहा है ये फिर से लॉस है आपके लिए नुकसान है आपके लिए तो रिलायशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा बेटा आपका रिलायशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट लेकिन पे करने वाला पार्टनर आपने पे किया होता तो कैश और बैंक लिखते आपने पे नहीं किया पार्टनर नहीं पे किया है ना तो पार्टनर्स जो है आपके बिहार पे कभी भी पे करेगा तो उसका कैपिटल बढ़ता है बेटा उसका कैपिटल बढ़ता है वो आपसे पैसे मांगेगा समझ पा रहे मेरी बात को वो आपसे बोलेगा कि जी आप मुझे पैसे दीजिए तो हम यहाँ पे पार्टनर्स को पैसा देंगे पैसे उसका हिसाब में जोड़ देंगे आइए जी मोहन का कैपिटल जो है हमारे ऊपर बढ़ जाएगा आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए मोहन हमारे पे एहसान नहीं कर रहा था अगर वो फर्म का कोई एक्सपेंस पे करता है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है ठीक है वो हमसे पैसे मांगेगा आपको लग रहा होगा कि चलो जी इसने दे दिया अब तो टेंशन नहीं है ऐसा नहीं है बेटा वो पैसे उसका जो भी कैपिटल होता है वो उसमें बोलता है कि जी जितना मैं पे कर रहा हूँ उतना आप मेरे कैपिटल में ऐड कर देना तो हमारा कैपिट उसका कैपिटल बढ़ जाता है इसलिए क्रेडिट होता है तो रिलायंसन एक्सपेंस टू कैश यहाँ पे हमने पे किया हमारे पास से कैश गया और एक्सपेंसेस हमारे लिए डेबिट ढुक कर दिए यहाँ पे भी रिलायंस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट था तो इसको भी हमने डेबिट किया और कैपिटल में इसकी भी जोड़ दिया क्योंकि इसने हमारे बिहाफ पे पैसे दिए थे अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूँ देखिए बेटा थर्ड में क्या लिखा हुआ है मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म मोहन यहाँ पे भी पार्टनर ही है फर्म वर्स टू ये कह रहे फर्म का एक पार्टनर है वॉज आ रिजोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉर विच ही वॉज अलाउड अ कमीशन यहां पे क्या हुआ कि मोहन को हमने अपॉइंट किया कि मोहन आप ऐसे करो ये जो डिजोल्यूशन हो रहा है इसमें ना एसेट्स बेचने हैं लाइबिलिटी को पे करना है बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इस जिम्मेदारी को आप उठा लो और ये तीन हजार रुपये मैं आपको दूंगा दो हजार रुपये मैं आपको दूंगा वापस से आइए आप फर्म के बारे में सोचिए फर्म के लिए ये फायदा है नुकसान है तो आपको क्लियर हो जाएगा सर ये नुकसान है फ्री में काम हो जाता कितना बढ़िया रहता सर तो दो हज़ार रुपये का नुकसान है ये नुकसान जो है आप किसको देने वाले मोहन को ना मोहन बेटा कभी भी हाथ में पैसे नहीं लेता मोहन को कैपिटल में प्रॉफिट चाहिए होता आपको याद है ना प्रॉफिट कभी भी देते थे तो कैपिटल प्लस कर देते थे रिजर्व बांटते तो कैपिटल प्लस कर देते हैं तो मोहन को कभी भी पैसा दोगे ना आप तो हाथ नहीं फैलाता वो कहते जी मेरे हिसाब में ऐड कर दो ठीक है और मोहन अगर कुछ पैसे कुछ चीज़ें आपकी ले जाता है ना कंपनी से वो कहता है मेरे हिसाब से माइनस कर दो तो मोहन को अगर दो हज़ार रुपये ऐसा कमीशन देना है तो आप उसके कैपिटल में जाके ऐड कर दोगे और कैपिटल मोहन का जैसे ही बढ़ाओगे वो क्रेडिट होगा तो सी पॉइंट पे आते हैं मैं आपको जनरल एंट्री करके दिखाता हूँ सबसे पहले तो ये जो आपको कमीशन दे रहे हैं रेमोनेशन या कमीशन समझ लीजिए ये आपके लिए नुकसान है तो आप एंट्री करेंगे बेटा रिलायसन अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स को दे रहे हैं आप तो जब भी पार्टनर को कोई हिसाब दिया जाता है तो उसके कैपिटल को प्लस किया, किया जाता है या फिर कैपिटल 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 को को माइनस किया जाता है अकाउंट अकाउंट तो आप क्रेडिट कर देंगे और इसकी जो वैल्यू है टू थाउजेंड रुपीज लिख देंगे मुझे लगता है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी इतना याद रख लीजिए कि पार्टनर को कभी भी कुछ देना है प्रॉफिट देना है रिजर्व देना है लॉसेस देने हैं तो उसका कैपिटल या तो प्लस होगा या माइनस होगा तो लॉसेस में कैपिटल कम हो जाता है अब प्रॉफिट में उसके कैपिटल बढ़ जाते हैं तो पार्टनर्स को अगर हम कुछ भी पे करेंगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा <coughs> तो ये तीन जर्नल एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी अब आइए जी इसके फोर्थ एंट्री पर फोर्थ में लिखा हुआ है मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड टेक एन ओवर बाई क्रेडिटर एक एसिड जो है जिसकी कीमत पचास हजार रुपये है बुक्स में उसको क्रेडिटर ले जा रहा है कितने में ले जा रहा है वो ले जा रहा है चालीस हजार में क्रेडिटर का कितना पैसा था नहीं बताया जैसे क्वेश्चन नंबर टू में आपने देखा होगा क्रेडिटर बाईस हज़ार रुपये का था इसमें ये नहीं बोल रहा क्रेडिटर का कर्ज हमारे ऊपर कितना है उसने ये बोला कि पचास हजार की जो मशीन की कीमत थी उसे क्रेडिटर ने बोला कि आप चालीस हजार में दो और बात को खत्म करो मैं दोबारा आपसे कोई पैसे नहीं मांगूंगा ठीक है जी तो यहाँ पे कोई एसेट जो है वो कौन लेके जा रहा है बेटा पार्टनर नहीं लेके जा रहा है यहाँ पे लेके जा रहा है क्रेडिटर तो एसेट्स कोई लाइबिलिटी आउटसाइडर लाइबिलिटी अगर ले जाता है तो आपको पता होगा कि जर्नल एंट्री हम लोग नहीं करते नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड समझ में आई बात यहां ऐसी सिचुएशन में कोई भी जर्नल एंट्री हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते अब आइए इन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको फॉर्मेट में थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूं <coughs> ये देखिए पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन में रिलायशन एक्सपेंस पे किया गया था तो रिलायशन अकाउंट डेबिट टू कैश नरेशन में आपने रिलायशन एक्सपेंसेस पेड लिख दिया फॉर्मेट आप यहाँ पे फॉर्मेट में देखिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है आप ज़रूर लिखिएगा क्या लिखेंगे बेटा याद आए इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म इस लाइन में जरूर लिखना है उसके बाद ही आप जर्नल लिखा करें फिर आइए रिलायशन अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया फर्स्ट सेकंड में क्या हुआ था कि रिलायशन एक्सपेंसेस को पार्टनर ने पे किया तो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता अगर हमने पे किया होता तो कैश लिख देते हैं अगर हमारे बहा पे पार्टनर ने पे किया होता तो वहां पे पार्टनर्स का नाम आ जाता है सर पार्टनर्स को क्रेडिट क्यों करा बेटा पार्टनर जो है अगर मेरे बिहाफ पे पैसे देगा हमारे पे एहसान नहीं करेगा वो हमसे पैसे लेगा और वो हाथ में नहीं लेगा वो बोलेगा मेरे कैपिटल में ऐड कर दो तो मैंने उसके कैपिटल में जोड़ दिया इतना पैसा इसी तरीके से यहाँ पे हमने पार्टनर्स को एक जिम्मेदारी दी कि आप ये ज़िम्मेदारी निभाइए उसके बदले में आपको दो हज़ार रुपये मिलेगा फिर से हमने पार्टनर्स के हाथ में नहीं देना है उसके कैपिटल में ऐड कर देना है तो इसलिए हमने रिलायसन अकाउंट डेबिट टू मोहनस कैपिटल कर दिया लास्ट जिसमें क्रेडिटर जो है बेटा एसेट्स ले गया था मोटर कार तो उसमें कोई भी जर्नल एंट्री आपको नहीं करनी होती है समझ में आई बात ये पूरे फॉर्मेट में ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चलिए बेटा मुझे उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा